गॉल ब्लैडर है उनको कोई तकलीफ नहीं होती, जिनके पास गॉल ब्लैडर है अच्छी सी साफ सुरक्षित उनके साथ भी बहुत सी ऐसी दिक्कत होती है। एवरीवन खमा गनी वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब, आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो मैं बहुत दिनों बाद में वीडियो बना रही हूँ, जो कि मेरी आदत है, मैं एक दो वीडियो बनाती हूँ और फिर लंबे टाइम के लिए गायब हो जाती हूँ। बट ये जो वीडियो है मैं बहुत टाइम से बनाना चाहती थी, ऑलमोस्ट 6 to 7 months हो गए मुझे सोचते हुए कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, और मेरे पास शायद ये पहला वीडियो होगा जिसकी इतनी रिक्वेस्ट आई है। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम तक मेरे पास इतने मैसेज आते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियो बनाओ। तो एक्चुअली ये वीडियो जिस चीज टॉपिक पर है वो आपको नीचे टाइटल देख के पता लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ये जो पूरा वीडियो है इसके अंदर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेरी जो गॉल ब्लैडर है, जो पित्त की थैली है और जो पथरी है उसके ऑपरेशन की, जो कि मेरा हो चुका है आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले, मार्च के अंदर 3 मार्च को मेरा ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मेरा गॉल ब्लैडर है जो निकाल दिया था, जो पित्त की थैली है वो निकाल दी गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ था। तो मैं उसकी टोटल स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं इसमें एक एक चीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि बाकायदा मेरे पास यहाँ तक मैसेज में लिखा हुआ आया है, या फिर आप कह सकते हो कि जो कमेंट बॉक्स है उसमें यहाँ तक लिखा हुआ आया है कि मेरी ये जो स्टोरी है या फिर जो इस पूरे टाइम पीरियड में मैंने फील किया है, जो खाया है, जो पिया है, जब जो चीज़ किया है, जब भी मुझे होश आया, एक्स वाई जेड सब कुछ मैं विथ डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस मैं इसीलिए आपको बहुत अच्छे से सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ, और हो सकता है इस वजह से ये वीडियो आप थोड़ा बहुत लंबा हो जाए, क्योंकि बोलते बोलते मैं फ्लो में काफ़ी कुछ बोल जाऊँगी और बहुत सी बातें होंगी जो मुझे याद आएंगी जो मैं बताऊँगी, तो उस वजह से ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और जिनको भी ये प्रॉब्लम है या फिर आपके किसी रिलेटिव को है तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत काम आएंगे उनके। क्योंकि मैंने भी जब मेरा ऑपरेशन था इसका, उससे पहले मैंने बहुत सर्च किया था, बट मुझे ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिला जो मुझे इतनी डिटेल में बता सके कि एग्जैक्ट क्या हुआ। सो मैंने इसीलिए वो वीडियो शूट किया था, और उसका इतना अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिला ये भी मैंने नहीं सोचा था। और अब अगर कोई उसको देखता है और मुझे ये पता लगता है कि उस वीडियो को देखने के बाद में किसी ने अपना ऑपरेशन करवा लिया है, या फिर कोई पॉजिटिव फील कर रहा है, या उसको ऑपरेशन करवाने की हिम्मत आ गई है, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले से जब मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उस टाइम मुझे एग्जैक्ट बहुत हाई लेवल पे ये प्रॉब्लम थी, शुरुआत इसकी बहुत पहले ही हो गई होगी, तभी एकदम से मुझे प्रॉब्लम आने लगी। क्योंकि जब लॉकडाउन में मैं अपने गाँव गई और वहाँ पर मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, अगर मैं कुछ भी खाती वहाँ पर एक्स वाई जेड में कुछ भी खाती, खाने में भी अगर मैं नॉर्मल सब्जी रोटी भी खाती तो मुझे यहाँ पर जलन होने लग गई थी, और खाना खाने के बाद में मेरी पेट में बहुत दर्द होता था, पीठ में दर्द होता था, फिर पूरी बॉडी गर्म हो जाती थी। और मुझे जो रिलीफ है वो तब मिलता था जब मैं उल्टी लेट जाती थी और पैरों को पेट के अंदर डाल लेती थी, किसी से बात नहीं करती थी, जैसे सिर जमीन में घुसा लेती थी, गद्दे में सिर डाल लेती थी, ऐसे एक इस पोस्चर में मैं सोती थी या इस पोस्चर में मैं लेट जाती थी कि मुझे किसी के सामने आना अच्छा नहीं लगता था, इतना चिड़चिड़ापन हो गया था, ना मुझसे कुछ खाया जाता था, इनफैक्ट मैं 2-3 दिन तक बिना खाए रह सकती थी, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी। मुझे लगता था कि मतलब एक डर होता है रोटी देख के, वो डर हो गया था कि अगर मैंने एक रोटी खाई तो मेरे 3-4 घंटे गए, खाना खाते ही मुझे दर्द शुरू हो जाएगा और वो जो पेन है वो बहुत मुश्किल होगा। तो मैं खाना मैंने बहुत कम कर दिया था, लेकिन मजबूरी होती थी ना कि खाना तो खाओ, क्योंकि दिन दिन बॉडी इतना वीक हो गई थी, और वो जो सिचुएशन थी लॉकडाउन की उसमें मेंटली हम लोग वैसे भी इतना स्टेबल नहीं थे, और फिर फिजिकली भी ये सब था मेरे साथ में। तो मैं सुबह एक रोटी खाती थी, तो जब मुझे प्रॉब्लम हुई या जलन वगैरह की तो लोगों से पता चला कि ठीक है एसिडिटी हो गई होगी, या फिर आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो गई होगी, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई होगी। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी टाइम से थी, ऑलमोस्ट 1 ईयर या 2 ईयर से थी, बट पता नहीं चला, क्योंकि बॉडी में इतनी होती है कि छोटी मोटी चीज़ को वो खुद ही एडजस्ट कर लेती है, मतलब अपन तक बात आने ही नहीं देती। बट जब बहुत हाई लेवल पर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है तो बॉडी हमें इंडिकेट करती है कि ठीक है अब उसके बस की बात नहीं, अब तुम अपने हिसाब से देख लो। तो उस केस के अंदर फिर जब मैं लॉकडाउन में गाँव गई तो मेरा लेवल बहुत हाई आ गया कि अल्सर है, तो फिर मैंने अपने हिसाब से ही पता लगाया कि अच्छा अल्सर है, अब अगर अल्सर का मैं चेक करवाऊंगी तो चेकअप भी उसका इतना डिफिकल्ट होता है, पाइप डालेंगे करेंगे दर्द होगा, तो मैंने इतना रिस्क नहीं लिया। तो सिचुएशन यही थी कि मैं एक रोटी सुबह खाती थी और उसके साथ मैं ले लेती थी टमाटर, और फिर जब शाम की बारी आती थी तो एक गिलास छाछ, तो मतलब एक गिलास रोटी। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी डाइट को बैलेंस किया, मैं एक रोटी सुबह खाती थी छाछ या टमाटर के साथ में, और एक रोटी मैं शाम को खाती थी कि ठीक है मेरी अल्सर है तो मुझे सब्जी नहीं खानी है, ऐसा कुछ जो भी खुद को पता लगता उसके अकॉर्डिंग अपनी एक बना ली, जिस चीज़ में मैं मेंटली मुझे लगता कि ठीक है मैंने खाना तो खाया है, बट फिर भी मुझे 2-3 घंटे दर्द सहन करना ही पड़ता, और ये दर्द रात को बहुत ज़्यादा होता था मुझे। जैसे ही रात होती तो रात को खाना खाया, सब सो गए, और मेरा वही पोस्चर, वही मैं उल्टी लेट जाती और बस ठीक है सर्दी गर्मी बस मैं उड़ के घुसी रहती अंदर की, ठीक है किसी से बात नहीं करनी, सर में दर्द होने लग जाता लेटे लेटे, बट उस टाइम वही ठीक लगता, पता नहीं चलता 3 बजे 4 बजे कब बेहोशी में नींद आ गई, दर्द इतना ज़्यादा होता कि आपको अपनी बॉडी का कुछ नहीं पता चलता था कि क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कभी नींद आ जाती कभी नहीं आती, तो टाइम ऐसा ही निकला। फिर
मैंने वहाँ किसी को चेक करवाया, किसी ने धरण बताया, किसी ने क्या बताया, बहुत सी चीज़ें थी। तो गांव में जो पुरानी औरतें होती हैं तो उन्होंने चेक किया और उन्होंने मुझे बताया कि आपके एक साइड जो फेफड़े होते हैं, जो पसलियाँ होती हैं, बोले उनमें स्वेलिंग है। तो उस टाइम थोड़ा सा उनकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगा कि दर्द भी मेरे इसी साइड होता है, मतलब ये राइट हैंड साइड मेरे पेन होता था और यहीं उन्होंने मुझे स्वेलिंग बताई। तो मेरे माइंड में थोड़ा सा किया, तो फिर मैं उसी टाइम मई में मैंने चेकअप करवाया, मतलब मैंने सोनोग्राफी करवाई। उसमें आया कि ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर आपके स्टोन है और आपकी जो गॉल ब्लैडर है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई है, छोटी हो गई है उसकी साइज़, वो सिकुड़ गई है। तो समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने पहला कोई केस सुना था, ठीक है, लोगों से, हाँ ठीक है ऐसे ऑपरेशन हुआ, ये हो गया, गॉल ब्लैडर हटा दी कर दी, बट ये विश्वास नहीं हुआ कि मेरे साथ ये चीज़ हो गई बिल्कुल भी। फिर लगा कि ठीक है कुछ करेंगे। इस पूरे टाइम पीरियड में मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और जैसे आपके मम्मी पापा भाई ये सब तो आपके साथ होते ही हैं, फैमिली आपके सपोर्ट में होती है, बट जो 24 घंटे आपको झेलता है बंदा, या फिर जो 24 घंटे आपके साथ रहता है, वो बंदा अगर आपका इस कंडीशन में सपोर्ट करता है बहुत मैटर करता है। क्योंकि आपको इस कंडीशन में देख के आपकी फैमिली बिल्कुल भी नहीं रह सकती। उस टाइम उनको लगता है कि जो कुछ होना है हमारे साथ हो जाए, इसके साथ नहीं, ना खा पाती है ना बैठ पाती है, वो कंडीशन होती थी। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा मेंटली, मोरली, फिजिकली हर तरीके से सपोर्ट किया, तो मेरा वो टाइम भी निकल गया था। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे उस दर्द की आदत सी हो गई थी कि मेरे को इफेक्ट ही नहीं होता था कि क्या है, हाँ ठीक है एक बॉडी का एक पार्ट होता है ना कि हाँ ठीक है अब दर्द शुरू होगा, वैसे दर्द शुरू हो जाता था। तो जब मैंने चेकअप करवाया कि ठीक है मेरे ऐसा ऐसा स्टोन है, तो मैंने पता करवाया कि कितने स्टोन हैं क्या है, लेकिन उसकी साइज़ इतनी छोटी थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि कितने स्टोन है, सिर्फ इतना कह रहे थे कि पूरी थैली भरी हुई है और साइज़ बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई है। तो थोड़े दिन मुझे तो नहीं समझ में आया, ना मैं मेंटली इतनी नहीं थी कि ठीक है मैं पता करूँ करूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने सब कुछ सर्च किया ऑनलाइन, उन्होंने बहुत सी वीडियोज़ देखे, सर्जरी देखी, काफ़ी डिफरेंस उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट डे सजेस्ट किया कि तुम करवा लो इसको ऑपरेट और टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। बट मेरा माइंड नहीं माना, क्योंकि नेगेटिव चीज़ अपन इतनी सुन के रखते हैं कि नहीं अब आपको अभी ऑपरेशन नहीं करवाना, एज बहुत छोटी है, ठीक है आपने अगर इसको ऑपरेट करवा लिया, या आपकी बॉडी का ऐसा पार्ट होता है ज़रूरी होता है तभी तो आपकी बॉडी में होता है, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर ये अपनी बॉडी में है क्यों, अगर आप इसको निकलवा दोगे तो आपको इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम आएगी तो क्या करोगे। तो हस्बैंड ने काफ़ी समझाया, बट नहीं, मुझे डर इतना लगता था कि मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं दवाइयों से निकलवा लूँगी, क्योंकि आप अगर आयुर्वेदिक में देखोगे, औषधियाँ वगैरह में देखोगे, तो हमेशा इसका इलाज है। आपको सब कहेंगे कि ठीक है आप रेगुलर चेकअप करवाओ, रेगुलर दवाइयाँ लो, आप बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, सारी निकल जाएंगी। मैं ये नहीं कहती कि गलत है, इफ़ेक्ट है, बट वो जो टाइम वो लेते हैं ना, वो टाइम हम लोग दे नहीं सकते, क्योंकि जिस लेवल का दर्द होता है उतना टाइम आप दे नहीं सकते। हस्बैंड ने कहा ऑपरेशन करवा लो, कई लोगों ने कहा करवा लो, तो कई लोगों ने कहा ऑपरेशन मत करवाना। तो मैंने सोचा कि ठीक है ऑपरेशन तो लास्ट है कि अपन को करवाना ही है, तो अपन ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने 2-3 जगहों से दवाइयाँ ली, एक जगह से मैंने 2-3 महीने दवाई ली, मुझे कोई फ़र्क नहीं हुआ, मतलब कुछ महसूस ही नहीं हुआ, बस दर्द कम रहता था, बट कम क्या कि दवाई है जब तक कम है, और जैसे आपने दवाई आपकी बंद हुई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती, ऐसा सब कुछ चलता। और दर्द में भी क्या होता, आपका ये जो पित्त वाला है, जो वात पित्त जो भी बनता है, इसका इफेक्ट होता। फिर मैंने जयपुर में मैं रहती हूँ तो मैंने यहीं पर इलाज स्टार्ट किया। यहाँ एक आयुर्वेदिक है, सहारा करके हॉस्पिटल है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुराना है। तो मैंने वहाँ जाके उनसे बात करी, तब मुझे इसके बारे में और अच्छे से पता चला कि हम लोगों की बॉडी में वात पित्त जो बनता है, अपन कुछ खाते हैं तो वो रिएक्ट करता है और एसिड बनता है, मतलब ऐसा बहुत कुछ है जो अपनी बॉडी में होता है, तो वो भी ज़रूरी है, उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ ज़रूरी है, इसीलिए हमारी बॉडी में है और इफेक्ट करेगी अगर तुम दवाइयाँ लेती हो। तो मैंने उनकी दवाइयाँ ली, मैंने उन्हें कहा हाँ ठीक है मैं दवाइयाँ लूँगी आपकी, और मैंने उनकी दवाइयाँ ली भी। ऑलमोस्ट मैंने 6 मंथ उनकी दवाइयाँ ली और उनसे इफेक्ट भी हुआ, मेरी जो गॉल ब्लैडर की साइज़ थी वो वापस नॉर्मल होने लगी, उसके अंदर की जो स्टोन्स थे वो क्रैक हुए, काफ़ी ख़त्म भी हो गए। लेकिन उनका इलाज लेने से पहले मैंने टीवी वगैरह में, आपने भी देखा होगा नेट वगैरह पे होता है एक कि आपको है ना एक ऑयल होता है, ये ऑयल होता है और उसके अंदर नींबू का रस मिलाओ और उसको पियो, तो मैंने वो ट्राई किया था, जैतून का जो तेल होता है, ऑलिव ऑयल वो लो और ऑरेंज का जूस मिलाओ, इक्वल क्वांटिटी में मिलाओ, उसको पियो, ऐसा कुछ है। तो मैंने, आप भी नेट पे सर्च करना अगर आपको देखना हो तो, और देखा होगा जिनको ये प्रॉब्लम है उन सब ने वो वीडियो देखा होगा, काफ़ी है उस वीडियो पे। तो मैंने जब वो, मैंने भी ट्राई किया था वो चीज़, मैंने सोचा कि कोई साइड इफेक्ट की चीज़ तो है नहीं, ट्राई करके देख लेते हैं, बॉडी तो वैसे भी भगवान भरोसे चल रही है, तो मैंने ट्राई कर लिया। मैंने उसको जब ट्राई किया तो मुझे सच में इफेक्ट दिखा, मुझे नेक्स्ट डे तो नहीं बट उसके नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा लूज मोशन हुए, और बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में इतनी इतनी सी ग्रीन ग्रीन दाने से मुझे, मैं जब फ्लश कर रही थी तो उसमें मुझे दिखे वो। और उसके बाद में जब मैंने इनकी दवाइयाँ भी ली सहारा हॉस्पिटल से, तो भी मुझे उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे क्रैक होती हुई दिखी, एटलीस्ट 6 मंथ की वो दवाइयाँ, और उससे पहले मैंने ये जो आपको बताया जैतून का तेल वाला इलाज, ये मैंने किया। तो मेरी जो साइज़ थी उसमें मुझे पता चला कि 3 mm और 6 mm के अब कुछ एक स्टोन है, स्टोन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, 25-26 स्टोन तो बड़ी साइज़ के थे और कुछ एक छोटे थे, तो इस तरह का मतलब एक रेशो था जो मुझे पता लगा। तो मेरे माइंड में आया कि इफेक्ट तो करती है ये चीज़ें, तभी तो इतना कुछ है,
कि जो मेरी साइज़ बहुत छोटी हो गई थी, ठीक है, साइज़ नॉर्मल हुई है उसकी, उसमें से चीज़ें निकली हैं, स्टोन बाहर निकले हैं, तो एक पॉजिटिव माइंड में आया। बट वो जो लेवल था ना 6 महीने का, और 6 महीने का वो जो दर्द था, मुझे तो उस दर्द की आदत हो गई थी तो मैं झेल रही थी, लेकिन फैमिली वाले आपको उस कंडीशन में देख नहीं पाते। उस कंडीशन में मैं एक दिन खुद भी मतलब टूट सी गई, क्योंकि छोटी बच्ची है ना, मैं उसको टाइम दे पाती हूँ ना हस्बैंड को टाइम दे पाती हूँ। और सही बताऊँ तो ये सब तो था मेरे घर में। जब मैं एक दिन मेरी मम्मी के पास गई और वहाँ पे रही, उन्होंने मेरी फुल डे जो मेरी कंडीशन देखी, वो नेक्स्ट डे मानोगे नहीं कि रोक ही नहीं पाई खुद को, और उन्होंने जल्दी से मतलब मेरे हस्बैंड को और भैया को बुलाया और उनको स्ट्रिक्टली कहा कि मुझे नहीं पता, इसका ऑपरेशन करवाओ, इसको डॉक्टर के दिखाओ और कुछ भी करवाओ, इसको क्लियर करवाओ, वरना मैं करवा के आऊँगी, मुझे नहीं पता, मुझे इस कंडीशन में ये नहीं चाहिए। तो फिर थोड़ा हस्बैंड को लगा कि शायद सही कह रही है मम्मी, तो उन्होंने भी मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि मैं कब से कह रहा हूँ ऑपरेशन करवाओ, तो करवा लो बस। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे डर था, जो सबको लग रहा होगा कि कैसे ऑपरेशन होगा, कैसे ऑपरेट करेंगे, मुझे कुछ हो गया तो। हालांकि मेरी ऑलरेडी एक सर्जरी हो चुकी है, मेरी जो बेबी है वो मुझे सिजेरियन ही हुई है, बट फिर भी मुझे डर था कि कैसे होगा। और आज मैं समझ सकती हूँ कि जिनकी एक बार भी सर्जरी नहीं हुई तो उनको कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि मैं खुद उस टाइम इतना डरी हुई थी। मुझे यूँ था कि वो तो एक ठीक है लेडी डॉक्टर थी, अब जो डॉक्टर होगा पता नहीं कैसा होगा, स्टाफ कैसा होगा, डॉक्टर तो एक बार सर्जरी करके चला जाएगा, स्टाफ ने सपोर्ट नहीं किया तो क्या करूँगी, मैं हैंडल नहीं कर पाई तो क्या करूँगी, कल को बाद में कोई दिक्कत हुई तो क्या करूँगी। फिर मैंने मेंटली खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया कि अगर मैं कुछ नहीं करती हूँ, ऑपरेशन नहीं करवाती हूँ, तो खुश तो मैं भी नहीं हूँ, और इन्होंने कहा है सहारा वाले ने कि निकाल देंगे, तो मैं भी ये निकाल देंगे, बट 6 महीने ऑलरेडी लग गए इस स्टेज पे आने में, तो और पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और इस टाइम पूरे टाइम पीरियड में अगर मैं ही नहीं रही तो क्या होगा। बस यही सोच के मैंने डॉक्टर के पास गई, मैं डॉक्टर से मिली, फिर मुझे पता लगा कि मैं मानसरोवर साइड एक हॉस्पिटल है वहाँ मैं गई, वहाँ मैंने पता लगाया, और भैया के कोई नोन थे तो हम लोगों ने वहाँ जाके पूरी उनसे बात करी कि ठीक है हम लोग कैसे ऑपरेट करवाना है ये सब कुछ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऑपरेट करवा लो, नहीं करवाते हो तो क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ, बाकी आपका डिसीजन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप नहीं करवाते हो कोई बात नहीं, आप दवाई लेते हो कि जिससे ही निकल जाती है बेस्ट है, मे भी निकल जाए, पर अगर वो आपकी निकलती है तो जो आपका गॉल ब्लैडर होता है उससे एक नली या एक जो भी पाइप होती है वो अटैच होती है जो खाने की होती है, तो अगर उसमें से कोई स्टोन निकलता है, मान लो वहाँ से तो निकल जाएगा क्योंकि वो पंप करती है, तो प्रेशर से वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर इस नली के बीच में वो कहीं फंसता है तो फिर आपके दो ऑपरेशन होंगे, एक ये और एक आपका गॉल ब्लैडर वाला, क्योंकि ये भी निकालेंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो कितना सच था या कितना झूठ था, और अगर सच भी है तो मैं आपको प्रॉपर वे में 0 से 100 तक चीज़ नहीं बता सकती कि ऐसे नली आएगी ऐसे निकलेगा, वो आपको एक डॉक्टर ही बहुत अच्छे से बताएगा। लेकिन जब मैंने वो चीज़ सुनी तो मुझे माइंड में हुआ कि ऑपरेशन करवाना सही है, क्यों आज एक ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और अगर मैंने ऐसी लापरवाही करी और कोई दाना निकल के बीच में फंस गया तो कल को दो ऑपरेशन होंगे। और वो जो सेकेंड ऑपरेशन है मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि वो गले से अंदर कुछ जाता और फिर होता, क्योंकि उसका पहले चेकअप होता अल्सर वाला, ऐसा कुछ जो अल्सर का होता है वैसा सा कुछ, मतलब ऐसा पूरा प्रोसेस था। तो मैंने मेंटली कर लिया था कि ठीक है अब ऑपरेशन करवाना है, लेकिन ऑपरेशन भी किसी ऐसे डॉक्टर से करवाना है जहाँ मुझे डर नहीं लगे, एज ए फ्रेंड वो मेरा ऑपरेशन करे, तो उस चीज़ का भी काफ़ी डर था। और डॉक्टर के साथ साथ मुझे स्टाफ भी ऐसा चाहिए था कि सपोर्टिव हो, अगर मैं कहूं कि मुझे दर्द हो रहा है तो वो उस चीज़ को समझे मेरे लेवल पे आके दर्द हो रहा हो। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी सर्च किया, और मेरे हस्बैंड के कोई नोन थे फ्रेंड थे, तो हम लोगों ने चोमू में बराला हॉस्पिटल जो है वो फाइनल किया, मैंने नहीं किया हस्बैंड ने फाइनल किया, और जो ऑपरेशन की डेट थी वो भी उन्होंने फाइनल कर दी। बट उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो मेरा ऑपरेशन करवाने के लेके जा रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा तुम चलो डॉक्टर से मिलो, अगर डॉक्टर तुम्हें सही लगता है बात बात करने में तो तुम करवा लेना, अदरवाइज अपन कोई और हॉस्पिटल ट्राई करेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम लोग चले गए। हम लोग गए, वो सारा वीडियो आपने मेरा देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगी नीचे, आप लोग ज़रूर देखिएगा, काफ़ी पता चलेगा आपको काफ़ी कुछ उस टाइम जो कुछ मेरे साथ हुआ। तो हम लोग गए, हमारा चेकअप हुआ, उस डॉक्टर से मैंने बात बात करी, बात करने में डॉक्टर सही लगे। मैंने उनसे ये चीज़ शेयर भी करी कि मुझे डर लगता है, कुछ भी करो बट मुझे नहीं पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने कहा ठीक है, हम लोग का बात हो गई, तो बोले तुम कल करवाओगे, आज ही करवा लो ऑपरेशन। फिर मैंने भी सोचा कि रात निकालूंगी यही सोच के कि ऑपरेशन कैसे होगा, उससे अच्छा आज ही करवा लूँ, तो मैंने ओके कर दिया, ऑपरेशन भी हो गया। ठीक है, शाम का टाइम था ऑपरेशन का, तो मुझे मोटिवेट तो कर दिया था मुझे इतना डॉक्टर ने भी और हस्बैंड ने कि करवा लूँगी, करवा भी लिया, सब कुछ हो गया, पर वो जो टाइम था कि जब तक मेरा ऑपरेट नहीं हो रहा था तब तक वो टाइम निकालना मुश्किल था, लग रहा था कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और हॉस्पिटल भले ही वो प्राइवेट है, तो मेरे एक नीचे कमेंट में भी आया था, मैंने कहा था हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, तो जो लास्ट ब्लॉग था मेरा जिसके अंदर मैंने गॉल ब्लैडर के बारे में बताया था, उस ब्लॉग में नीचे कमेंट था कि आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको ये हॉस्पिटल अच्छा लगा, काफ़ी लोगों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, तो वो अपना अपना लक होता है, मे बी वो हॉस्पिटल अच्छा नहीं हो, अच्छा हो नहीं हो मुझे नहीं पता, मेरे साथ वहाँ सब कुछ ठीक था।
शायद वो ये कहना चाह रहे हो कि कुछ निकाल लेते हैं या फिर आपके बॉडी पार्ट्स निकाल लेते हैं, तो ऑपरेशन में वो तो आपको कहीं भी नहीं पता होता ना, उसी हॉस्पिटल का नहीं किसी और हॉस्पिटल में भी आपको नहीं पता होता अगर कोई निकाल ले तो। हाँ वहाँ हो सकता है कोई ऐसे केसेस हो रखे हों तो आप कह सकते हो, बट मेरे साथ वहाँ का सीन सही था। तो आप उस हॉस्पिटल में जाओ जहाँ आपको सही लगता हो, आप सुटेबल हो या आपका कोई नोन हो, आप वहाँ जाओ। मैं उस हॉस्पिटल में गई, ठीक है, सब अच्छा था। मैंने स्टाफ से भी पहले बात कर ली थी क्योंकि मेरा जो ऑपरेशन था वो होने में काफ़ी टाइम था, 2-3 घंटे थे। शाम का ऑपरेशन था, हम लोग 12 बजे के आसपास ही पहुँच गए थे सुबह ही, तो हमने अच्छे से, और हाँ हम लोग खाली पेट गए थे क्योंकि वहाँ बाकी चेकअप वगैरह होने थे तो खाली पेट ही गए थे हम लोग, तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। जब मैं थिएटर में, जो ऑपरेशन थिएटर है उसके अंदर पहुँची, तो वहाँ पे जो हेल्पर थे उनके, जो साथ में डॉक्टर के, डॉक्टर नहीं आए थे तो उनके हेल्पर थे, वो आपस में देख रहे थे, एक फ़ीमेल थी एक मेल थे। तो मेल थे जो फीमेल को कह रहे थे कि ठीक है थोड़ा सा डरा हुआ है पेशेंट और फीमेल है तो तुम हैंडल कर लो। जो फीमेल थी बोल रही थी नहीं मैं लेट हो गई, मैं नहीं कर रही, तुम हैंडल कर लो। तो इस टाइम में मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी, मैंने उनको घबराए कहा कि आपस में फटाफट डिसाइड करो जिसको भी करना है, और मैंने कहा ऐसे करते हुए कुछ का कुछ मत कर देना। इतने में डॉक्टर आ गए तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप एक को फाइनल करो और कुछ भी करो, मुझे कुछ नहीं पता लगना चाहिए। मैं डॉक्टर से बात ही कर रही थी इतने टाइम में मुझे, ठीक है, बेहोश कर दिया, एनेस्थीसिया दे दिया जो भी था, तो मैं बोलते बोलते ही बेहोश हो गई। मुझे पता नहीं कितने टाइम बाद में, शायद मेरा 2-3 बजे के पास ऑपरेशन था और मुझे 6-7 बजे के आसपास शायद होश आया। तो मेरी जो नीचे की बॉडी थी, मतलब जो पैर थे, वो काम नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे इन द सेंस कि वो अभी भी सुन में थे। ऊपर की बॉडी की जो सुन थी वो निकली थी, बट नीचे अभी सुन पूरी तरह से नहीं गई थी। पैरों में दर्द हो रहा था, मैं पैर हिला रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो सब ने कहा डॉक्टर वगैरह ना कि आप इनको रोको, ऐसे नहीं करें, बट पेन बहुत ज़्यादा था तो हो रहे थे, पैर भी मैं बहुत मार रही थी और पैर मारने से जो दर्द हो रहा था वो मुझे फील नहीं हो रहा था। और मेरा जो, मैंने जब मेरी बॉडी देखी उस टाइम भी मैं अच्छे से होश में नहीं थी, बस ठीक है मेरी थोड़ी आंखें खुल गई थी, कुछ एक लोग दिख रहे थे बट मैं होश में नहीं थी। तो मुझे पूरी रात वहाँ ICU के अंदर रखा, और मैंने रात को, मुझे अच्छे से होश आ गया था 10-11 बजे के आसपास। तो तब से लेके और सुबह के 5 बजे तक मैंने, जो वहाँ पे वार्ड बॉय था उसकी कंडीशन बहुत ख़राब कर दी थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे हस्बैंड के पास जाना है, क्योंकि उस टाइम बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं, थोड़ी सी खुजली और यूँ लगता है कि कोई हो अपने साथ जो कुछ हेल्प करे, अपनी सुने कि हमें कितना दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कैसे जैसे 5 बजे उन्होंने मुझे छोड़ा और मैं अपने हस्बैंड के साथ में, मेरे जो भी हम लोगों ने पर्सनल रूम ले रखा था, हम लोग वहाँ आ गए। वहाँ के मैंने देखा तो मेरी बॉडी में 4 जगह होल थे, तो जो 3 जगह थे, एक तो बिल्कुल ये जो हिस्सा है इसके, मतलब दोनों फेफड़ों के बीच का जो हिस्सा है, एक कट यहाँ पे लगा बिल्कुल, आप बोलोगे कि चेस्ट के बिल्कुल नीचे का जो ये मिड पॉइंट है, एक यहाँ पे लगा, और अब तो मैं भूल भी गई हूँ कहाँ कहाँ है, और एक बिल्कुल जो बेली पॉइंट होता है एक वहाँ, और एक लेफ्ट हैंड साइड में एक और था, और एक राइट हैंड साइड में। ऐसे 4 कट थे जिनमें से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला और ऊपर नीचे वाले कट थे उन सब में 2-2 स्टिच लगे थे, और जो राइट हैंड साइड वाला था उसमें छोटा सा कट था और जो ड्रेन है वो डाली हुई थी। तो वो जो ड्रेन को देख के मैं इतना डर गई थी कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये कैसे निकलेगी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम उस पर टेप लगी हुई थी, तो मुझे लगा ये शायद मेरे परमानेंट लगा दी है। फिर सुबह जब मुझे डॉक्टर आए देखने के लिए, उन्होंने उसे बात करी, तो मैंने उनको बताया कि मेरे यहाँ गले में बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि गले का जो दर्द है वो जब कुछ नल के अंदर डालते हैं नली, उसकी वजह से हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे थोड़ा सा ज़्यादा पेन था यहाँ पे, बट ठीक है, क्योंकि वो मुझे नहीं पता चला था जब ऑपरेशन स्टार्ट किया, उस टाइम लगाया तब मैं बेहोश थी, मेरे होश आने से पहले उसके निकाल चुके थे, तो उसका मुझे नहीं पता चला। बस मुझे ये जो यहाँ पे दर्द महसूस हुआ तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था, और उस टाइम पीरियड में मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे ना बॉडी में ऐसा फील हुआ कि मेरी बॉडी में कुछ नहीं है, बस यूँ पता चल रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी तो ऊपर नीचे दर्द हो रहा है। और सबसे ज़्यादा तो मुझे उस ड्रेन का डर लग रहा था कि ये कहीं जो नलकी है अंदर घुसी हुई किसी चीज़ से टकरा के निकल नहीं जाए, और बस ऐसा मुझे डर लग रहा था वहाँ पे। फिर मैं एक दिन, मैंने निकाला तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया, जिस आई थिंक मुझे उसी दिन जब मुझे सुबह होश आया उसी टाइम मुझे खाना खिला दिया था। तो मेरे खाने में सब कुछ आया था, डॉक्टर मुझे अच्छे से बोल के गए थे कि आप सब कुछ खाना, जो कुछ आपको खाना हो वो खाना, कभी भी इस खुद की बॉडी को उस चीज़ के लिए बाउंड मत करना कि ठीक है मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जो कुछ तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में खाना है वो अभी से स्टार्ट कर देना, और इन फ्यूचर भी कुछ खाती हो तो ये सोच के मत खाना कि ये मुझे सूट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि माइंड, बॉडी जो पूरी है वो सब माइंड से काम करती है। मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, और उन्होंने मुझे कहा एक दलिया खिचड़ी मत खाना हो सके तो इन 2 महीनों में, तो कम से कम बाकी आप अगर उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो तो अच्छा है, और डायरेक्ट फ्रूट्स मत लेना, डायरेक्ट जूस मत लेना, अगर आपको जूस चाहिए तो जो पैक्ड जूस आते हैं वो पीना, नारियल पानी पी लेना, चॉकलेट मत खाना क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। और ये चीज़ें थी सिर्फ स्टार्टिंग के दिनों के लिए, अगर आप चाहो रिस्क लेना तो घी खा सकते हो अभी। तो जैसे डॉक्टर ने मुझे कहा, मैंने 2 महीने तक
इनफैक्ट 2 महीने से भी ज़्यादा तक मैंने खिचड़ी, दलिया या फ्रूट्स और डायरेक्ट फ्रूट्स का जो जूस होता है वो, ये चारों चीज़ें मैंने अवॉइड करी, मैंने बिल्कुल नहीं लिया। और घी मैंने 2 महीने तक नहीं खाया, उसके बाद में मैं खाने लगी थी। बाकी जो मेरी फर्स्ट डाइट थी वो, अगर आप मेरी कोई रील देखोगे तो शायद उसमें आपको दिख जाए, और शायद मेरे वीडियो में भी वो चीज़ दिखाई है जो मुझे फर्स्ट मील मिला था, काफ़ी अच्छा था। उसमें जो फर्स्ट डे मुझे खाना मिला था पूरे दिन में, उसमें मुझे पैक्ड जूस भी मिला था, दही भी मिला था, खीर भी मिली थी, दूध भी मिला था, चाय भी मिली थी, बिस्किट भी मिले थे, पनीर की सब्जी थी, शायद दाल थी, मिक्स वेज था, और सैलेड था, रोटी थी, चावल थी। मतलब आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे, एक नॉर्मल भी आप देखते हो तो बंदे बोलते हैं कि, मतलब नॉर्मल जो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी बोलते हैं कि हम लोगों ने चावल नहीं खाते, गैसेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर दूध गैस करता है, या दही नहीं खाना, अभी नहीं खाना, तब नहीं खाना। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने मुझे हर चीज़ दी थी। कहते हैं पनीर भी हैवी होता है, बट मेरी फर्स्ट डाइट में पनीर था। मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश भी थी और सोच भी रही थी कि ये कितना हैवी होगा मेरे लिए, बट काफ़ी अच्छी डाइट थी मेरी। और जो मुझे डॉक्टर ने कहा मैंने उस चीज़ को फॉलो किया। मैंने जो सेम डाइट मुझे वहाँ हॉस्पिटल में मिली, मैं जब तक 15 से 20 दिन तक मैंने मेरी सेम डाइट फॉलो करी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ड्राई फ्रूट्स भी लिए, साथ में मैंने सैलेड भी लिया, दूध, मैं कंटिन्यूली मैं दूध नहीं पीती हूँ बट मैंने उस टाइम दूध भी लिया, चाय भी ली, मतलब जो मेरी बॉडी को चाहिए मैंने वो सब कुछ लिया। चावल डेली एक टाइम मैं चावल खाती, हर चीज़। कहते हैं ना शाम को चावल नहीं खाते, बट मेरे को शाम को भी चावल मिलते थे, तो अच्छा डाइट था। मैं 3 दिन वहाँ पे रही, 3 तारीख को मैं एडमिट हुई, 4, 5 और 6। इनफैक्ट मैं 6 को भी यूँ कि ठीक है अब तो मुझे छोड़ दो, मैं तो ज़बरदस्ती रह रही हूँ ये कह के, तो ठीक है मैं आ गई। थोड़ी सी मेरी दवाइयाँ थी, हाँ मुझे एक प्रॉब्लम वहाँ ज़रूर हुई, तो वो उसका रीज़न मैं, मेरा वो ऑपरेशन नहीं कहती, उसका रीज़न मेरा शायद स्टार्टिंग से या फिर पहले कभी कोई प्रॉब्लम हुई उस वजह से आप मान सकते हो, मैं मेरा यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो ये चीज़ मुझे, मेरी जो डिलीवरी हुई थी शायद उस वजह से भी, उस टाइम भी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो उस वजह से थी, तो उन्होंने मुझे टैबलेट दी, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। बाकी उस टाइम मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ये प्रॉब्लम रही थी 3 दिन की, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी, मैं जैसे ही खड़ी होती थी और मुझे लगता था कि नहीं मेरा यूरिन कंट्रोल नहीं होगा। और जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है उस टाइम भी आपके साथ ये चीज़ होती है कि जैसे उसका असर आपकी बॉडी से पूरा अच्छी तरह नहीं जाता, तो आप जैसे ही खड़े होते हो आपको वॉमिट होती है। वो वॉमिट तभी होती है जब उसका असर पूरा नहीं जाता, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा अपनी बॉडी में रहता है। तो मुझे शायद 2 से 3 टाइम तक, मतलब 4 तारीख को भी या 5 तारीख को सुबह तक मुझे अच्छे से वॉमिट हो रही थी, ग्रीन ग्रीन वॉमिट हो रही थी, कि मैं जैसे ही बैठ रही थी, लेटी हुई थी, सब कुछ ठीक है, जैसे ही मैं बैठ रही थी मुझे वॉमिट हो रही थी। 5 तारीख को सुबह मेरी जो ड्रेन है वो निकाल दी थी उन लोगों ने, और उसमें कोई भी उन्होंने स्टिच नहीं दिया था कि भाई ठीक है यहाँ से निकालिए तो यहाँ कट होगा तो उसको स्टिच करेंगे, नहीं, उन्होंने बस उसको निकाल दिया, कहा ये धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा, और वो अपने आप सही भी हो गया। फिर मैं वहाँ से आ गई, और डर बाद में नहीं लगा और दर्द भी उतना नहीं हुआ। जब मैं घर आ गई तो मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ मैनेज कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, कैसे करूँगी, तो मैं उस टाइम में बहुत खुश रही, और जो भी मुझे खाना होता, इच्छा होती, मैं वो हर चीज़ खाती। लेकिन जो 3-4 चीज़ें उन्होंने मुझे बताई वो मैंने कभी नहीं खाई, ना मैंने फ्रूट्स खाए, ना मैंने खिचड़ी दलिया खाया। ये खिचड़ी दलिया वाली जो चीज़ है ना, वो बहुत लोग कहते हैं कि ये क्यों नहीं, ये तो बीमार आदमी को दी जाती है, बट अपन बीमार नहीं थे, हम लोग तो सही होकर आए थे, तो बीमारी वाला तो सीन ही नहीं था। मैं खुश थी, काफ़ी अच्छा सब कुछ हो गया। घर आने के बाद मुझे कोई पेन भी नहीं हुआ, और हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया। हाँ मैंने ऐसी चीज़ें नहीं करी जो जैसे वज़न वाली चीज़ें होती हैं, आटा लगाना हुआ या फिर नीचे बैठना हुआ, इन सब चीज़ों में हस्बैंड ने फुल ध्यान रखा। मम्मी के घर में रही थी 15-20 दिन, वो भी ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे रखा कि नहीं रुको, रेस्ट करो, तो मैं 15-20 दिन मम्मी के घर पर रही। वहाँ सब कुछ सही था, मैं कोई काम नहीं करती थी, ना मैं उठती बैठती थी ज़्यादा, रिलैक्स लेटी रहती थी, और थोड़ा वॉक कर लेती थी जितना मुझसे हो पाता था। और वहाँ भी हॉस्पिटल में भी मुझे वो वॉक करने के लिए कहते थे कि आप वॉक कर लो, और मैं अगर 3 को मेरा ऑपरेशन हुआ है तो 4 को रात को मैं वॉक कर रही थी। वॉक आप जितने कर सकते हो करो उस टाइम, क्योंकि उस टाइम जो बॉडी की गैस होती है वो निकल जाती है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन आपका होगा, आपकी बॉडी ओपन होगी तो उसमें एयर जाती ही जाती है, तो वॉक मैंने काफ़ी हद तक करी थी। मेरे घर आने के बाद में थोड़ी कम हो गई थी, बट मम्मी के घर पर मैंने 15-20 दिन अच्छे से वॉक करी। मेरे घर आने के बाद में लाइफ एकदम नॉर्मल हो गई, और ऑपरेशन करने के बाद में सही बताऊँ तो मुझे फील ही नहीं हुआ, आज तक मुझे फील नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया कि मेरी बॉडी में कोई पार्ट नहीं है या फिर उसकी वजह से मुझे कोई तकलीफ है। इनफैक्ट मेरे स्टिचेस में कभी कभी खुजली हो जाती है क्योंकि टाइट कपड़े, पसीना, इस वजह से, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। 7 से 8 दिन बाद में मेरे जो स्टिचेस थे वो मैंने निकलवा दिए, और स्टिचेस निकलवाने में थोड़ी सी तकलीफ हुई क्योंकि मैं उसी हॉस्पिटल में नहीं गई, मैंने रेगुलर जो क्लिनिक होते हैं गली के अंदर उन्हीं से निकलवाया, तो थोड़ा सा उसमें तकलीफ हुआ। और काफ़ी टाइम बाद में भी जब वो एरिया मेरा श्रिंक हो रहा था तो उसमें से कुछ एक वायर निकल रहे थे, इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले तक मैंने एक वायर निकाला था मेरी बॉडी में से वही स्टिचेस वाली जगह में, तो उसमें जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है वो, मतलब ऑपरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाहर का है, या तो दर्द तो होता ही है, मैंने भी उस टाइम निकलवाया नहीं दर्द के मारे, फिर धीरे 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 मैंने खुद ने निकाल लिया, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ऑपरेशन टाइम से करवा लेते हो बेस्ट है, और मैं मेरे पूरे एक्सपीरियंस से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ऑपरेशन आज नहीं कल करवाना ही है। और अगर आप सोचो कि 1 साल 2 साल 3 साल आप वेट कर लो,
और ये सही हो जाए तो हो जाएगी, बट इस पूरे टाइम पीरियड में आपको फुल रिस्क होता है और ना आप अच्छे से खा पाते हो तो फिर क्या मतलब। और निकल वाली मैंने भी, और आप भी निकल वालों अगर तकलीफ़ हो रही है तो। जब मैंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर को दिखाया, जब मैंने सोनोग्राफी कराई और उसमें आया कि मुझे स्टोन है गॉल ब्लैडर में, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप चाहो तो करवा लो, चाहो तो मत करवाओ। उनका कहना था कि अगर आपको ये प्रॉब्लम कर रही है, दर्द कर रही है, तो आप निकलवा लो, नहीं कर रही तो रहने दो। बट मेरा मानना है कि आज प्रॉब्लम नहीं कर रही, इन फ्यूचर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो उससे अच्छा है कि आप अभी इसे क्लियर करवा लो। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं ऑपरेशन करवाऊंगी और आगे मुझे कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई या फिर कुछ मुझे खाना नहीं पचा तो मैं क्या करूंगी, तो आप उस बंदे से पूछो जिसकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको स्टोन नहीं है, ऐसा कोई उसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उससे पूछो कि क्या कभी उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती, या कभी ऐसा नहीं होता कि उसका खाना नहीं पचता। उसके साथ भी तो होता है ना, तो फिर आपके साथ क्यों नहीं होगा। और अगर होता है तो नॉर्मल है, नहीं होता है तो आपकी किस्मत अच्छी है, जैसे कि मेरी अच्छी है। आज 1 साल हो गया मुझे कभी भी ना कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई है और ना ही कभी खाना पचने में कोई दिक्कत हुई है। मैं बहुत अच्छे से, इनफैक्ट पहले से भी अच्छे से मैं सब कुछ खाती हूँ, स्पाइसी भी खाती हूँ, जो जैसा मुझे पसंद होता है मैं उतना खाती हूँ। पहले मेरी खाने की लिमिट थी कि अगर मैं कोई फास्ट फूड खा रही हूँ तो मैं थोड़ा ही खा पाऊंगी, बाद में नहीं खा पाऊंगी। बट अब मैं सब कुछ खाती हूँ, अच्छे से खाती हूँ। मैं नॉनवेज नहीं खाती, बट मैं जो कुछ भी खाती हूँ उसमें मैं कोई लिमिट नहीं रखती, सब कुछ बहुत अच्छे से जितनी इच्छा हो उतना खाती हूँ। फास्ट फूड मैंने 2-2.5, मतलब मैंने जो कुछ भी बाउंडेशन रखी वो सिर्फ 2 महीने की रखी। 2 महीने तक मैंने सिंपल घर का खाना खाया और उसके बाद में मैं खुल के बाहर का खाना खाती हूँ, चाउमीन, हॉट डॉग, बर्गर, पिज्ज़ा, सब कुछ मैं खाती हूँ। इनफैक्ट मैं दही से भी, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा खट्टा दही होता है तो भी आपको प्रॉब्लम होती है, मुझे वो भी नहीं होती। और अब मुझे ये जो वातपित वाली प्रॉब्लम है ये भी नहीं होती क्योंकि गॉल ब्लैडर ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जिनको गॉल ब्लैडर है उनको कोई तकलीफ नहीं होती, जिनके पास गॉल ब्लैडर है अच्छी सी, साफ़ सुरक्षित, उनके साथ भी बहुत सी ऐसी दिक्कत होती है। तो हम लोगों के साथ तो होना नॉर्मल है अगर होती है तो। सो ये था मेरा पूरा वीडियो। मैंने कोशिश करी है हर चीज़ कवर करने की, बट इतना टाइम हो गया, अगर फिर भी मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ज़रूरत होगी तो मैं सेकंड वीडियो फिर से बना दूंगी। और अगर आप ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि करवाओ, अगर आप सोच रहे हो तो टेंशन मत लो, करवा लो। क्योंकि ऐसी कंडीशन होगी ना तभी तो आप सोच रहे हो करवाने की। उस लेवल पे आपकी बॉडी आ गई होगी कि उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तभी आपने सोचा है। तो अगर आपने ऑपरेशन का सोचा है तो ऑपरेशन करवा लो, जितना जल्दी करवाओगे उतना बेस्ट है। और कुछ भी आपको ऐसी तकलीफ नहीं होगी कि आपको डर लग गया था सोच के। ऑपरेशन में बिल्कुल मत डरो, क्योंकि जो ऑपरेशन का टाइम है ना अपन को कुछ नहीं पता होता, हम बेहोश होते हैं। और वो बेहोशी भी ऐसे कोई इंजेक्शन से नहीं देते कि लो इंजेक्शन लग गया और बस, वो एक ड्रिप चढ़ती है तो उस ड्रिप में आपको बहुत सी ड्रिप चढ़ती है तो उसी में वो आपको दिया जाता है। तो कुछ नहीं पता चलता ना आपको, ये कुछ भी नहीं पता चलता क्या नल के अंदर लगी है, क्या बाहर निकला है, कुछ नहीं। और सब कुछ खाओ, मैं सिर्फ इतनी चीज़ कहूँगी, सब कुछ खाओ। ये कुछ भी खाने से पहले ये मत सोचो कि मुझे सूट करेगा नहीं करेगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम करेगा। अगर ये सोचोगे ना तो गेहूं भी प्रॉब्लम करेगा, पानी भी प्रॉब्लम करेगा, उससे भी उल्टी हो जाएगी। और अगर कुछ नहीं सोचोगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। बी पॉजिटिव, बस मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, मैं सबको ये कहती हूँ, बी पॉजिटिव। ऑपरेशन करा जब सोच ही लिया करवाने का तो बस ठीक है करवाओ। और मैं ये मानती हूँ कि मैंने करवा लिया तो सब करवा लेंगे, तो कुछ मत सोचो। अगर सोचा है ऑपरेशन का तो करवा लो, सब अच्छे से होगा, सही होगा। बस माइंड को थोड़ा सा शांत रखो, पॉजिटिव रहो। और कई लोग हैं जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया है कि ठीक है हमारा ऑपरेशन हो गया, मतलब वो मेरा वीडियो देख के गए हैं और उनका ऑपरेशन हो गया, या फिर उनको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला कि ठीक है अब हम ऑपरेशन करवा लेते हैं। तो उनका भी आने के बाद में यही रिप्लाई आता है कि हाँ थोड़ी सी देर, घंटे 2 घंटे दर्द हुआ, बाकी ऑपरेशन हो गया, अच्छा था। तो ऐसा नहीं है। और अगर देखो किसी को प्रॉब्लम होती भी है ना, तो वो सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है, किसी की बॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है, किसी की बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, तो वो बाद की बात है। मैं आज कह रही हूँ कि मुझे 1 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हो सकता है इन फ्यूचर मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो वो अपनी अपनी बॉडी है, बॉडी अपने हिसाब से काम करती है। मेरे कहने से ना आपकी बॉडी काम करेगी ना मेरी बॉडी काम करेगी। बट इतना नेगेटिव किसी भी चीज़ के लिए मत हो। ऑपरेशन का सोचा है करवा लो, सही है, ज़रूरी है, तभी आपने सोचा है, तभी आपको किसी ने सजेस्ट किया है। आपकी बॉडी को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। सो थैंक यू वेरी मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए लास्ट वीडियो में। और मैं चाहती हूँ कि जो सपोर्ट आपने उस टाइम रखा है उस वीडियो के लिए, इसमें भी रखिए। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर नहीं भी करते हैं तो कम से कम इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हैं लेकिन डर रहे हैं। बाय।